प्रिय दर्शक, हमारे लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि मानव जाति के लिए चांद की खोज क्यों जरूरी है। चंद्रमा ने हमेशा से ही हमें आकर्षित किया है और उसके बारे में जानने को लेकर हमें हमेशा से ही जिज्ञासा रहती ही है, और इसके रहस्यों की खोज से हमारे अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड के बारे में हमें अहम जानकारियां हासिल भी हुई है। यहाँ हमने यही समझाने की कोशिश की है कि आखिर चांद पर जाना हमारे लिए क्या मायने रखता है और यह क्यों इतना अहम है। अब सवाल उठता है कि चांद की खोज आखिर क्यों। 14 साल पहले चांद पर पहुंचा था चंद्रयान 1, उसकी खोज का दुनिया ने भी लोहा माना था। धरती का एक भंडार में चंद्रमा की सतह पर जितने गड्ढे हैं उतने ही जवाब और अवसर विभिन्न क्षेत्रों के लिए इसके पास है। चूंकि चंद्रमा धरती से बना है, इस वजह से धरती के प्रारंभिक इतिहास का यहाँ पर भंडार है। नासा की एक रिपोर्ट बताती है कि भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के चलते हमारी धरती से जो रिकॉर्ड मिट गए हैं वह भी यहाँ पर संरक्षित है। चंद्रमा की खोज से वैज्ञानिकों को धरती की उत्पत्ति, धरती चंद्रमा सिस्टम का निर्माण और विकास, और धरती के भूत और संभावित रूप से इसके भविष्य पर एस्टेरॉयड प्रभावों के असर के बारे में बेशकीमती जानकारी मिलती है। इसमें दिलचस्प है इंजीनियरिंग चुनौतियां। इसके अलावा चांद जटिल इंजीनियरिंग चुनौतियां पेश करता है, जिससे यह प्रौद्योगिकियों, उड़ान क्षमताओं, जीवन समर्थन प्रणालियों और तकनीक की खोज के मामले में एक आदर्श परीक्षण स्थल है। यहाँ जोखिमों का अंदाजा लगाने और भविष्य के मिशनों की दक्षता बढ़ाने के लिए एक शानदार माहौल मिलता है। नासा के मुताबिक चंद्रमा पर मौजूदगी दर्ज करके हम दूसरी दुनिया में रहने और काम करने का सीधे अनुभव हासिल कर सकते हैं, जिससे हम तापमान और रेडिएशन की चरम स्थितियों में आधुनिक सामग्रियों और उपकरणों का परीक्षण करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा चांद की खोज से हम मानव कार्यों में मदद करने, दूरदराज के इलाकों की खोज और महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए रोबोट के इस्तेमाल में सहज हो सकेंगे। यह मानव स्वास्थ्य में भी मददगार होगा। धरती की तुलना में चांद का वातावरण अपने कम गुरुत्वाकर्षण और उच्च रेडिएशन स्तर के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष स्वास्थ्य चुनौतियां देता है। यह चुनौतियां चिकित्सा शोधकर्ताओं के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह हड्डी और मांसपेशियों की खराबी और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी स्थितियों को रोकने और इलाज करने में महत्वपूर्ण प्रगति के अवसर प्रस्तुत करती है। चिकित्सा के क्षेत्र में इन सफलताओं से निस्संदेह मानवता को दूरगामी लाभ होंगे। इसमें व्यापार की संभावनाएं। चांद की खोज अनेक व्यापारिक संभावनाएं भी पैदा करती है। इससे जहां तकनीक के क्षेत्र में नवाचार और नए प्रयोगों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं चांद की खोज खोजकर्ताओं को उससे परे अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए मौका देगा, जिससे हमारे लिए सौर मंडल के भीतर के दूसरे ग्रहों की खोज और जानकारी जुटाने के लिए मंच तैयार हो सकेगा। वैसे भी ब्रह्मांड अनंत है और अभी तो हमने उसे जानना शुरू भी नहीं किया है। जहां तक यान 3 मिशन की सफल लैंडिंग भारत के लिए निर्णायक क्षण होगा, यह न केवल देश को अंतरिक्ष अन्वेषण की दौड़ में बढ़त दिलाएगा बल्कि अर्थव्यवस्था में भी योगदान देगा। रोजगार सृजन से लेकर निजी निवेश में वृद्धि और यहां तक तकनीकी प्रगति तक, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे चंद्रयान 3 मिशन भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा दे सकता है। निवेश को बढ़ावा मिलेगा। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण से निवेशकों का विश्वास बढ़ सकता है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अधिक निजी निवेश आकर्षित हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है तो यह भारत को इस उपलब्धि को हासिल करने वाला चौथा देश बना देगा और इससे निवेश को काफी बढ़ावा मिलेगा। इससे उद्योग को इस तरह से लाभ होगा कि यह लागत कुशल और अत्यधिक विश्वसनीय अंतरिक्ष ग्रेड हार्डवेयर को बढ़ावा देगा, जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग ने इस मिशन के लिए आपूर्ति की है, जिससे उद्योग में राजस्व प्रवाह और निवेश बढ़ेगा। यह हमारे उद्योग को अन्य देशों के चंद्र कार्यक्रमों के आपूर्तिकर्ता बनने के लिए भी मान्य करता है, और गूगल जैसी कंपनियां पहले से ही भारत के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप में निवेश कर रही हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश बढ़ जाए। चंद्रमा को अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के अगले चरण का प्रवेश द्वार माना जाता है। चूंकि अंतरिक्ष उद्योगों में निवेश साल दर साल बढ़ रहा है,
इस क्षमता वाले देशों के पास वैश्विक निवेश के लिए अधिक अवसर हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से नए स्टार्टअप व्यवसाय और नौकरी के अवसर सामने आ सकते हैं, जिससे आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसरो भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए तकनीक विकसित करने में निजी कंपनियों की सहायता कर रहा है। भारत के अंतरिक्ष तकनीक पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से विकास ने महामारी के बाद से पिछले कुछ वर्षों में हजारों नौकरियां पैदा की हैं। लेकिन ऐतिहासिक रूप से अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित न करने के कारण संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन आज इस क्षेत्र में ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर दोनों तरह की लाखों नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। अंतरिक्ष उद्योग को विज्ञान और इंजीनियरिंग में उच्च तकनीकी कौशल की आवश्यकता है। यह जानकारी देश के लिए एक रणनीतिक संपत्ति है। अकेले चंद्रमा मिशनों में भारत के निवेश ने सैकड़ों प्रत्यक्ष उच्च तकनीकी नौकरियां और हजारों अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की। चूंकि यह चंद्रमा पर कई और मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत सरकार और निजी चंद्र कार्यक्रमों द्वारा कई हजार नौकरियां पैदा होंगी। नौकरियों के अलावा चंद्रयान 3 मिशन अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए व्यावसायिक अवसर भी खोलेगा। मिशन की सफलता अंतरिक्ष लीग में भारत की साख को बढ़ाएगी और भविष्य के चंद्रमा मिशनों के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में काम करेगी। यह भारत में संयुक्त उद्यमों को आकर्षित कर सकता है और भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप्स को दुनिया के लिए अंतरिक्ष प्रणालियों और उप प्रणालियों के डिजाइन और निर्माण में मदद कर सकता है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मिशन की सफलता भारत को शीर्ष 4 तकनीकी रूप से उन्नत अंतरिक्ष देशों में स्थान दिलाएगी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। जैसे हाल ही में इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बीच आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। चंद्रयान 3 मिशन दुनिया के लिए भारत में उत्पादों और सेवाओं के निर्माण के लिए लागत, दक्षता और उच्च तकनीकी कौशल की प्रचुरता का लाभ उठाने के लिए अधिक निवेश को बढ़ावा देगा। महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन की सफलता भारत को वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में चीन के संभावित प्रतिद्वंद्वी के रूप में भी स्थापित कर सकती है। रूस के साथ चीन ने लॉन्च के लिए कम लागत वाले विकल्प की पेशकश की थी, लेकिन यूक्रेन के साथ संघर्ष के कारण रूस आर्थिक दबाव में है। ऐसे में भारत के पास प्रतिस्पर्धा करने और अपनी स्थिति मजबूत करने का एक बेहतरीन अवसर है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।